ओम नमः शिवाय। कल तक हमने पढ़ा था रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण संपूर्ण। अब आज से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। तो चलिए हम आपको आज ये रुद्र संहिता का द्वितीय खंड पढ़ के सुनाते हैं। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य है, यानी एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य है रुद्र संहिता की द्वितीय खंड में ये इसके बारे में दिया हुआ है। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभो, विद्यातः आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव मेरे मैं सती की कृति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकास को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा रही है स्थान पा सकी? महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत से विलक्षण स्वरूप से प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पिता में ब्रह्मा ने देवता असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की है। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि अत्रि पुलस्त्य अंगिरा वक्र अंगिरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर बोहों वाली वह नारी सौंदर्य की परम सीमा को प्राप्त पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मैंने मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मध वाले ध्याति की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। दस जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, मां ब्रह्मान, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह
तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूर्य श्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के बैठ गए। ओम नमः शिवाय। तो आज की सृष्टि खंड का प्रथम अध्याय आपको मैंने सुनाया है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और रोज़ ये कथा मेरे द्वारा श्रवण मास में सुनिए ताकि आपकी और मेरे दोनों ही भगवान, आप पर और मुझ पर दोनों पे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में हमने सृष्टि खंड में सती के जन्म का और सती के अंत का पता चला, यानी इसमें सती के अंत का और सती के जन्म का दोनों के बारे में बताया गया, और नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना के बारे में भी पूछा गया है। ओम नमः शिवाय।